आज का हमारा टॉपिक होगा मैच्योरिटी इंडिसेस मीन्स परिपक्वता सूचकांक मैच्योरिटी इंडिकेस इंडिसेस एक ग्रेट या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के आइडेंटिफिकेशन में पर मैच्योरिटी इंडिसेस जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों के केस में अलग अलग होगा फ्रूट्स के केस में मैच्योरिटी इंडिसेस एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन को बताता है कि जब सेल या फिर कोशिका जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है और उसमें अब आगे और सेल डिवीजन नहीं होगा परंतु वेजिटेबल्स के केस में मैच्योरिटी इंडिसेस मार्केट डिमांड पर और कंज्यूमर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वह मार्केट में उस वेजिटेबल्स की कौन से स्टेज पर डिमांड है वो इमेच्योर स्टेज पे या फिर अनराइट स्टेज पर या फिर राइप स्टेज पर उसकी डिमांड है इस बेसिस पर मैच्योरिटी इंडिसेस डिपेंड करता है वेजिटेबल्स जो हैं वो उनके अर्ली या फिर लेट स्टेजेस के बेसिस पर हार्वेस्ट किए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुकुम्बर, चिली कोलीफ्लावर या फिर बीन्स पर फ्रूट्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रूट्स जो है वो तभी उनकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है जब वो फिजियोलॉजिकली जो हैं अपनी पूरी मेचोरिटी को अटेंड कर चुके होते हैं या फिर अब उनमें आगे और ज़्यादा सेल का डिवीज़न नहीं होगा क्योंकि अगर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी उस फ्रूट की पूरी नहीं होने दी गई तो उसमें अच्छे तरीके से कलर टेस्ट और फ्लेवर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा मैच्योरिटी जो है उसको दो पार्ट्स में या फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड सेकेंड है हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है ये एक ऐसी स्टेज को शो करता है जिसमें जो फ्रूट है उसने अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को धारण कर लिया हो या फिर सेल का डिवीजन और आगे अधिक नहीं होगा और ये हार्वेस्टिंग के लिए अभी रेडी है और हार्वेस्ट करते ही हम ये ईटिंग के लिए भी रेडी होता है और इसकी प्रोसेसिंग की जा सकती है या फिर किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है नेक्स्ट आती है हॉर्टीकल्चरल मैच्योरिटी हॉर्टीकल्चरल मैच्योरिटी एक ऐसी स्टेज को शो करती है या फिर प्लांट या प्लांट पार्ट के उतने डेवलपमेंट को कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट डिमांड जो है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे या हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी एक पर्टिकुलर पीरियड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आ जाती है उसमें जो वेजिटेबल है वो पकी है पूरी तरीके से या फिर नहीं पकी है उसका रोल नहीं होता है और ये इस समय पर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होते हैं नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैचुरिटी इंडिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट है एनश्योर सेंसरी क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर मैच्योरिटी के बेसिस पे या एक मैचोरिटी इंडिसेस के बेसिस पे हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसमें प्रॉपर फ्लेवर प्रॉपर कलर अरोमा और टेक्स्चर ये सब हमें प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी ये इन्श्योर करता है एडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट सेल्फ लाइफ को और अगर एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पे किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल को तोड़ा जाएगा तो उसे हम लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज उसका कर सकते हैं और वो बाहर के किसी भी फैक्टर के द्वारा ज़्यादा डिग्रेड होने के उसमें चांसेस नहीं होंगे क्योंकि वो एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी प्रॉपर मॉइस्चर टेम्परेचर इन सब के अकॉर्डिंग उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है नेक्स्ट है फैसिलिएट मार्केटिंग ओवर द फोन और थ्रू इंटरनेट इस फिजियो इस मैचोरिटी इंडिसेस या फिर मैचोरिटी के बेसिस पे फ्रूट्स जो हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट है क्लाइमेट्रिक सेकेंड है नॉन क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स का सिंपल मीनिंग है कि ऐसे फ्रूट्स जिनको प्लांट से तोड़ कर या उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद भी उनको पकाया जा सकता है या फिर इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ऑफ द क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो मैचूरेशन के टाइम पर उनकी रेस्पायरेशन रेट या फिर श्वसन दर जो है वो एकदम से तेज हो जाती है जिसके कारण रेस्पिरेशन रेट के इंक्रीज होने के कारण इथाइलिन गैस निकलती है और ये इथाइलिन गैस जो है वो मैच्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के एग्ज़ाम्पल हैं बनाना मैंगो एप्पल गवावा एंड पपाया एक्सेट्रा नेक्स्ट आता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जनरली नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स उन फ्रूट्स को कहा जाता है जो किसी भी प्लांट से उनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद पकाया नहीं जा सकता है या फिर वो जनरली प्लांट के ऊपर ही मैच्योर होते हैं और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए तो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका ग्रो जिनकी हार्वेस्टिंग के समय या फिर जब उनकी ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है तो उनकी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है जिसके कारण इथाइलिन गैस जो है उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है जिसके कारण वो अपने आप नहीं पक पाते हैं फॉर एग्जाम्पल नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं फॉर एग्जाम्पल पोमाग्रेनेट सिट्रस फ्रूट ग्रेप्स लीची चेरी एक्सेट्रा फॉर द क्वालिटी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हारवेस्टिंग एट प्रॉपर टाइम वेजिटेबल्स मस्ट भी हारवेस्टेड वेन दे अटेन फुल मेचोरिटी एज पर देयर नेचर हमें किसी भी वेजिटेबल का अगर स्टोरेज करना है उसकी क्वालिटी को मेनटेन करके रखना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसकी प्रॉपर हारवेस्टिंग जो है वो एक प्रॉपर टाइम पर की जाए उस उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का क्या नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसकी हारवेस्टिंग की जानी चाहिए